हेलो नमस्कार, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके ही शो में शेयर बाजार की पाठशाला बाय रचित खंडेलवाल। पिछले एपिसोड में हमने मार्केट सेगमेंट की बात करी थी, जिसमें हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात करी थी। आई एम रेडी श्योर उसके बाद आपके दिमाग में, आपकी सोच में सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट घूम रहे होंगे। सेकेंडरी मार्केट के ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट को आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये दो कॉम्पोनेंट्स ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत लोगों से सुना तो होता है मगर समझ में ना आने के कारण हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो जो इसमें पहला टॉपिक है वो है इंडेक्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने अपने घर में, अपने दोस्तों में या कहीं भी ये बातें सुनी होंगी कि आज BSE सेंसेक्स इतना ऊपर गया, NSE निफ्टी इतना ऊपर गया या इतना नीचे आया। तो हमें ये तो पता है कि NSE का इंडेक्स निफ्टी है और BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है, बट इंडेक्स क्या है, वो कैसे बनता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज के एपिसोड में हम आगे समझेंगे। इंडेक्स एक ऐसा बैरोमीटर है जिससे हमको समझ में आता है कि ओवरऑल मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। अब आपके लिए पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट एक दिन में कितना ऊपर गया या नीचे गया, इंडेक्स के बिना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर सम 4,500 टू 5,000 कंपनीज और लिस्टेड एक एक चेक किया जाए और फिर गेज किया जाए कि मार्केट कैसे चल रहा है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। इस टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे मार्केट्स में इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडेक्स में यूजुअली कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनकी वेटेज डिसाइड करते हैं और उनके प्राइस के ऊपर नीचे होने पर हमारा इंडेक्स ऊपर या नीचे जाता है। ये यूजुअली उस पर्टिकुलर इंडेक्स या उस पर्टिकुलर सेक्टोरियल इंडेक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वेटेज इसलिए रखा जाता है कि हमारे लिए उन पर्टिकुलर स्टॉक्स का पूरा प्राइस ऊपर या नीचे जाना, उसको कैलकुलेट करना और उसके बाद उस इंडेक्स की वैल्यू निकालना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसीलिए उसका वेटेज निकाला जाता है। इंडेक्स हमारे को मार्केट के डायरेक्शन, मूड, माहौल को समझने में और उसके हिसाब से आगे हमारे मार्केट के डिसीजन मेकिंग को करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट का इंडेक्स होता है जैसे NSE का निफ्टी और BSE का सेंसेक्स, वैसे ही हमारे मार्केट्स में सेक्टोरियल इंडाइसेस भी होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल के लिए हमारे पास S&P BSE हेल्थ केयर होता है और NSE में इसी को NSE फार्मा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास निफ्टी IT, निफ्टी मेटल और अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंडाइसेस होते हैं जिनको हम मॉनिटर करके उन पर्टिकुलर सेक्टर्स का डायरेक्शन समझ के उनमें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है उसका डिसीजन ले सकते हैं। जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, क्या उनका भी कोई सेक्टर होता है, क्या उनका भी कोई पर्टिकुलर ऐसा कंपनी का डिपेंडेंस होता है जिससे वो चलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं जैसे NSE का निफ्टी और BSE का सेंसेक्स, इसमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं होता, बट इसमें बहुत अलग अलग सेक्टर्स की जो टॉप कंपनीज होती हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं और इससे हमारे ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पता लगता है। कई खबर आपने सुना ही होगा कि आज मार्केट को बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया या आज निफ्टी IT के कारण मार्केट गिर गया। तो ओवरऑल मार्केट की पिक्चर को समझने के लिए जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, इसमें अलग अलग बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स की कंपनियाँ ली जाती हैं। जैसे NSE में टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है और उनका वेटेड एवरेज का जो प्राइस अप या डाउन होता है उससे ओवरऑल NSE की क्लोजिंग वैल्यू निकाली जाती है। इसी तरीके से BSE में टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है
जो कि अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग वेटेज की होती हैं। अब ये तो हो गई इंडेक्स की बात। मैं समझता हूँ कि इससे आपको इंडेक्स की थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो क्लियर हुआ होगा, मगर हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वो सवाल आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजिएगा, एंड वी विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट एपिसोड में उस सवाल का आपको जवाब दे सकें। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि एक ही दिन में मार्केट के इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपये साफ हुए, या एक ही दिन में मार्केट ने 10 लाख करोड़ रुपये कमाए। तो क्या ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ये जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि जो उस न्यूज हेडलाइन में 7 लाख करोड़ रुपए का लॉस है वो एक्चुअल लॉस है। वो लॉस उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में आने वाली कमी को दर्शाता है, जो कि यूजुअली स्टॉक प्राइसेस के नीचे आने से होती है। अब हम ये समझें कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हम करते ही क्यों हैं। जब हमको एक बेंचमार्क इंडेक्स मिल गया, जब हमको एक सेक्टोरियल इंडेक्स मिल गया, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक डायरेक्शन देता है मार्केट का, और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी मार्केट को लेके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, मार्केट में आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझाने के लिए। अलॉन्ग विद दिस, जब हम कुछ कंपनीज की बात करते हैं तो उनमें भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही कंपनी के साइज का पता लगता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही समझ में आता है कि आपका कितनी वैल्यू एट रिस्क है और कंपनी किस क्वांटम की है। अब हम ये समझें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू द प्राइस ऑफ द कंपनी। जितना पब्लिक फ्लोट में शेयर है इनटू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कंपनी और दैट गिवन पॉइंट इन टाइम ट्रेडेड प्राइस ऑफ द कंपनी गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हमने ये तो देख ही लिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमको क्या क्या पता लगता है, बट क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इनके बारे में आपने सुना भी होगा। एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से डिफाइन होता है। कोई भी कंपनी जो अप टू 500 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है उसको हम स्मॉल कैप में डाल देते हैं। कोई भी कंपनी जो 500 करोड़ से लेकर अप टू 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है उसको हम डाल देते हैं मिड कैप इंडेक्स में, और 7000 करोड़ से ऊपर जाते हुए 20000 करोड़ तक की जो कंपनी होती है उसको हम डाल देते हैं लार्ज कैप में। तो क्या कोई ऐसा भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का टाइप होता है जो 20000 करोड़ से ऊपर करे? बिल्कुल, उसे हम कहते हैं मेगा कैप। अब इन पर्टिकुलर चीज़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का सेग्रीगेशन इसलिए किया जाता है सो दैट आपको पता लग जाए कि आप किस साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये पता लग जाए कि कोई म्यूचुअल फंड अगर नया फंड लेकर आ रहा है तो वो कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज को टारगेट कर रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट की आइडियाज़ और आपके डिसीजन मेकिंग में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ चीज़ें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड करती हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं कि कंपनी का किस तरीके से डिमांड है, कंपनी किस तरीके से बिजनेस में अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है, कंपनी का किस तरीके से ब्रांड वर्क कर रहा है, और कंपनी का मार्केट प्रेजेंस कैसा है। अगर ये पैरामीटर्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो कंपनी की प्राइसिंग ऊपर जाती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इम्प्रूव होती है, जो इंटर्न इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव और एनहांस करने में काम आती है। सिमिलरली, जब कंपनी के ये पर्टिकुलर बैरोमीटर्स या पैरामीटर्स वीक होने लग जाते हैं और कंपनी की प्राइस नीचे जाती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो आज हमने समझा मार्केट के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडेक्स। ऐसे ही और कंसेप्ट
और मजेदार चीजों को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रिपोर्टर जी के साथ, और आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए देखते रहें शेयर बाजार की पाठशाला बाय रचित खंडेलवाल ऑन रिपोर्टर जी।